स्टूडेंट वेलकम बैक अगेन अखिल मैथ क्लासेस के चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन नहीं किया था, तो इसलिए मैंने बाद में देखा कि रिकॉर्डिंग तो ऑन ही है नहीं, तो मैं रुक गया वहाँ पर। ओके, इतना मैं कर चुका था ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो प्राइम पैटर्न तो आपको समझ में आता है ये कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने प्राइम पैटर्न ऑलरेडी मैंने कर दिया है देखो। ओके, तो हम नंबर यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो 1483 की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 × 3 × 3 × यहाँ पर हो गया कितना, 23 × 23। ओके, तो आई होप आप समझ रहे हो। अब देखो क्या करना है आपको, क्या करना है देखो, पेयरिंग करेंगे, देखते हैं कौन पेयर होते हैं। बट यहाँ पर सवाल में हमें क्या दिया बच्चों, डिवीजन करना है, तो याद रखो डिवीजन करना है। तो 3 का तो जोड़ा बन रहा है, 23 का भी जोड़ा बन रहा है, अब हमें क्या करना है, ये 3 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं, क्यों आपको लग रहा है यहाँ 3 अकेला है तो और एक 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, बट हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना है, ये तो है, बट हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें डिवाइड करना है। तो क्या करें, टोटल में आप डिवीजन कितना कर दोगे? अच्छा सोचो, मान लो ये 3 जो यहाँ पर बच रहा है ना, अगर सपोज वो नहीं होता तो क्या होता, सिर्फ 3 × 3 होता और 23 × 23 होता, जो पेयर में होते, जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर का कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट वही होता है, ये सारे पेयर में होंगे। तो सारे पेयर जितने नंबर हो सबको पेयर में रखने के लिए हमें ये 3 को जो यहाँ से हटाना होगा, तो ये 3 को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे बच्चों, नीचे 3 डिवाइड कर देंगे, उतना ही नंबर डिवाइड कर दो। जैसे 3 डिवाइड होता है, ये 3 कैंसिल हो जाता है, तो बचते हैं क्या नंबर, 3 × 3 और ये 23 × 23, जो कि दोनों पेयर में हैं, पेयर बनाएंगे, बनाते हैं आप देख लो। तो देखो यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ देखो ध्यान से, तो 3 × 3 देखो, 3 कटने के बाद क्या बचेगा, 3 × 3 बचेगा, यहाँ पर 23 × 23 बचा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं हो रहा समझने में, किसी को भी दिक्कत नहीं हो रहा है, आई होप आप सब समझ रहे हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया बताओ, हमने यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा नंबर मल्टीप्लाई किया कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ओके, तो हमने ये सीखा कि हमने यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, मतलब डिवीजन हमने किया यहाँ पर, 3 का हम डिवाइड किया, तो आंसर सिर्फ आप 3 लिख दो, 3 मस्ट बी डिवाइड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सबको समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ पर आंसर से लिख देंगे 3 मस्ट बी डिवाइड। ओके, डिवाइड लिखना है यहाँ पर। ओके, चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों, बिट टू में क्या लिखा हुआ है, सवाल है 1800। अच्छा चलो लिख देते हैं 1800 में क्या डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा गर्मी लग रहा है, मैं इसी तरह कमा दो। तो 1800 का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ये होगा बच्चों 900, ये तो बहुत इजी बन गया। 2 फिट, जब तक 2 से हो रहे करते चलो, ये कितना हो जा रहा है, 4 × 2 = 8, 450 होगा, फिर 2 से करो, ये हो गया आपका 2, ये होगा आपका 2। ओके, 225, अब 3 से करते हैं, ठीक है, 200 तो होगा ही नहीं, 7 × 3 = 21, 5 × 3 = 15, 75, फिर 3 से करो, ये हो गया आपका 25, फिर 5 से करो, ये हो गया 5, ये हो गया 5। तो आप यहीं पर देख के समझ गए होगे। तो 1800 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 × 2 × 2 कितना बार हुआ, 2 हुआ यहाँ पर 3 बार, तो यहाँ पर 3 होगा 2 बार, 5 हुआ 2 बार। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर जब कॉम्बिनेशन करोगे, यहाँ पर देखो 2 का बन रहा है, 3 का तो बन रहा है, 5 का भी बन रहा है, डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ये 2 हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, सारे तो बन रहे हैं, ये 2 अगर नहीं होता तो कितना अच्छा होता। तो 2 को वहाँ से हटाना है, 2 डिवाइड कर देंगे, जो एक्स्ट्रा नंबर वहाँ बच जाएगा उसको हटा दो, डिवाइड करके उतने नंबर डिवाइड कर दो। तो हमने ये टोटल में क्या डिवाइड किया, 2 डिवाइड किया, जैसे हम 2 डिवाइड करते हैं बच्चों तो क्या होता है, ये 2 तो कट जाएगा ना, तो जो बचेगा वो क्या होगा, जो बचेंगे वो स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर के, ये फिर बोल सकते हो स्क्वायर रूट के जो वैल्यू निकल जाएंगे उससे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 डिवाइड किया टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 हमने डिवाइड किया तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 1800 में 2 डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब करके देख लो कितना आएगा नंबर, 900 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें ये नहीं पूछा कि नंबर निकालो, हमें पूछा क्या डिवाइड करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, हमने पूछा है कि 1800 में क्या डिवाइड करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो यहाँ पर 2 डिवाइड कर देंगे। ओके, आई होप आप समझ रहे हो। तो आंसर सिर्फ आप 2 लिखो, 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी डिवाइड विद 1800 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसके बाद वाला स्टेटमेंट आप लिख लेना। अब आते हैं लास्ट बिट पे, हमारा बिट नंबर 3, बिट 3 है 2904। ओके, कोई बात नहीं, कर देंगे 2904। सवाल को लिख लिया जाए, पहले
सवाल है हमारा 2904। ओके चलो, सवाल बोला है कि 2904 में हम क्या डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके तो पहले 2904 का आप निकालो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कितना दो से करो, ये हो गया एक हो गया, ये चार हो जाएगा, ये पाँच हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, फिर दो से करो, ये होगा आपका सात, ये होगा दो, ये होगा कितना हो गया, छः हो गया। ओके तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिर दो से करो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तीन दो छः, ये बारह, ये छः दो बारह, यहाँ पर तीन हो जाएगा। ठीक है, अभी दो से नहीं होगा बच्चों, ये तीन से होगा, थ्री वन जा थ्री टू जा थ्री वन टू, वन टू वन होगा, तो यहाँ इलेवन से करेंगे तो ये हो गया इलेवन आपका। ओके तो यहाँ पर देखो 2904 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, टू इंटू टू इंटू, यहाँ पर और एक टू है, फिर यहाँ पर तीन है, फिर यहाँ पर इलेवन है, इंटू इलेवन है, बस यही है हमारा। तो देखो अब क्या करेंगे आप, दो का तो पेयर बन रहा है, इलेवन का भी पेयर बन रहा है, तो एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या हो रहा है, टू और थ्री एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो करो डिवाइड उतना, टू और थ्री को ही हटा दो, जितना बचेगा एक्स्ट्रा उतना ही डिवाइड कर देना। तो हमने कितना डिवाइड किया बच्चों, सिक्स डिवाइड किया, क्योंकि देखो टोटल की टोटल ई जो है टोटल पार्ट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2904 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने ये 2904 के एक्सपानसन में क्या डाला है, टू इंटू थ्री डिवाइड किया है, तो हम बोल सकते हैं हमने सिक्स डिवाइड किया, ये टू इंटू थ्री इंटू कर दो छः हो गया ना, इसका मतलब छः हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने बच्चों 2904 में क्या डिवाइड किया कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, हमने छः डिवाइड करते हैं। ओके आई होप आप समझ रहे होगे, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चों, सिक्स होगा। ओके तो यहाँ पर सी लिख दो, सिक्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी डिवाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख सकते हो खुद से। ओके स्टेटमेंट में कुछ भी कॉन्सेप्ट में समझने में दिक्कत हो आप यहाँ पर, तो मैं समझा ही रहा हूँ, और भी डिटेल में समझना है तो आप वही सेम बोलूँगा, मैथ विद हक्के सर के चैनल पर जाओ और वहाँ पर देख लो। चलो अब हम इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके बाय बाय टाटा, चलो बाय।